नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन, आज बिस्किट से गुलाब जामुन बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं मैरीगोल्ड बिस्किट के गुलाब जामुन बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने दो पैकेट लिए, 10 रुपए वाले हैं। अब बिस्कुट हम जार में डाल के पीस लेंगे। ये मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। ये टेबल स्पून है, 3 टेबलस्पून ले लिया मैंने, ये नाप के पहले ही लिया है। 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। और पहले मैंने 1/2 कप दूध लिया, अब जितना इसमें लगेगा उतना हम डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं 1/2 दूध डालूंगी और इसे हमें इस तरह से मिक्स ही करना है, बस ज्यादा इसका आटा तैयार नहीं करना। इसमें पूरा 1/2 कप दूध लग गया है, बस इसे मैंने इस तरह से बाइंड किया है। अब इसके हम छोटे छोटे गुलाब जामुन तैयार करेंगे, कोई भी आप नाप ले ले, जिससे कि एक नाप आ जाएगी। इस तरह से ले लूंगी मैं, राउंड दे देंगे पहले तो, इस तरह से दबा लेंगे। आप इनके बीच में कुछ भी भर सकते हो, मैं प्लेन ही बना रही हूँ। क्रैक्स अच्छी तरह उठाएंगे पहले तो, और अच्छी तरह राउंड दे ले इसमें, ताकि तलते समय ये फटे नहीं। इस तरह से सभी बना के तैयार कर लेंगे। ये सभी बोल बना के तैयार कर ली है, घी गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। आप ऑयल में भी बना सकते हो और घी में भी बना सकते हो, लेकिन घी में बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेंगे। जब तक घी गरम हो रहा है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1/2 कप चीनी लिया है और 1/2 कप ही पानी लिया है, इसे डाल देंगे। क्योंकि बिस्किट मीठे होते हैं इसलिए हमें चाशनी थोड़ी कमी बनानी है, और हमें एक तार की चाशनी नहीं तैयार करनी, बस हाथों में इस तरह से देख ले कि चिपचिपाट आ रही है क्या, तभी हम गैस बंद कर देंगे। घी गरम हो गया, अब गैस सिम कर देंगे और एक एक बोल डाल देंगे। और इन्हें गैस सिम पर ही सेकना है। अभी 2-3 मिनट तक हम टच नहीं करेंगे, फिर इसे घुमाते हुए गुलाब जामुन की कलर में सेक लेंगे। 2-3 मिनट करीबन हो गए हैं और इन्हें अब टच कर लेते हैं। देखिए सिकने भी लग गए हैं, इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए इन्हें सिम पर ही सेके। इस तरह से घुमाते हुए गुलाब जामुन के कलर में सेक लेंगे। जितना डार्क लाइट चाहिए आप अपने उस हिसाब से भी सेक सकते हैं। इस तरह से घुमाते रहेंगे। ये सिक गए हैं, इन्हें इस तरह से सेक लेंगे। हम चेक कर लेते हैं, इस तरह से कर ले, इस तरह से कर ले, ये चिपचिपाट आ रही है इसमें, बस हमें चिपचिपाट ही चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे और ये चाशनी बन के तैयार हो गई है। ये सभी फ्राई करके तैयार कर लिए, अब इसमें मैं चाशनी डाल दूंगी, इससे कि अच्छी तरह डूब भी जाएंगे छोटे में। आप भगोने में भी डाल सकते हो, मैंने बाउल में डाल लिया है। और 2-3 मिनट बाद मैं इसे उलट पुलट कर दूंगी, ताकि सभी डूब जाए इसमें, और इसी में अब 1 घंटा इसी तरह रहने देंगे हम। ये चाशनी पूरी इन्होंने पी ली है, 1 घंटा करीबन हो गए हैं। ये हमारे बिस्किट के गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे बने, मैं एक काट के बता देती हूँ। देखिए कितने अच्छे बने हैं, तो इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिए। If you like this video, then thumbs up and subscribe my channel. Thank you.